हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सभी भाइयों के? आई होप सब बढ़िया होंगे और घर में सेफ होंगे। तो आज का टॉपिक कुछ होने वाला है बाइक के पार्ट्स के बारे में, कि कौन सा पार्ट्स जो है बाइक का वो हमें कब बदलना चाहिए। कुछ पार्ट्स हैं जैसे क्लच प्लेट, चैन सेट, स्पार्क प्लग और आपका ब्रेक शू और केबल वायर, जिसमें कि आपकी एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, और ये सब जो हैं इनकी कुछ लिमिटेड लाइफ होती है जिसके बाद हमें चेंज करना चाहिए। बट हम ऐसा नहीं करते हैं, हम इसे कंटिन्यूस चलाते रहते हैं बाइक को और इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है हमें अचानक से कोई पार्ट ख़राब होता है तो, लेकिन हमारी आदत होती है बाइक को खींचते रहने की, कभी ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे। और ये जो पार्ट्स हैं ये मैं स्प्लेंडर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी जो भी 100cc की बाइक है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट से। तो सबसे पहले आता है इसमें ब्रेक शू। ब्रेक शू हमें हमेशा 10 से 15,000 किलोमीटर तक चेंज करा लेना चाहिए। ब्रेक शू टाइम से चेंज कराने से क्या होगा कि जो एक्सीडेंट का खतरा होता है वो नहीं रहता। अभी कंडीशन है जो रियर ब्रेक शू है वो है 10 से 15,000 पे। रियर ब्रेक शू से ज़्यादा चलता है फ्रंट वाला, तो ये हमारा चल जाता है 35 से 40,000 किलोमीटर, और इससे ऊपर भी चल जाता है, चलाने वाले चला लेते हैं। बट हमें 40,000 किलोमीटर तक फ्रंट जो ब्रेक शू है वो चेंज करा लेना चाहिए। और रेयर ब्रेक शू की बात करें तो वो हमारा जल्दी घिस जाता है क्योंकि उसका जो साइज़ है वो फ्रंट वाले से छोटा है और इतना ही चल पाता है वो। सबसे ज़्यादा यूज़ रेयर ब्रेक शू ही होता है, पिछले वाला ब्रेक, ठीक है ना। तो ये हमें चेंज करा लेना चाहिए, इससे क्या होगा कि जो अचानक से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है वो नहीं रहता। तो अब बात करते हैं सेकेंड नंबर, जो कि है चैन स्प्रोकेट। तो चैन स्प्रोकेट का काम है इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है उसको रियर टायर तक पहुंचाता है, कि जो लिमिट लाइफ है वो है 25 से 30,000 तक। बट इसको हम अगर लुब्रिकेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, 5,000 और लाइफ बढ़ जाती है, तो यानी कि 30 से 35,000 तक आप इसे चेंज करवा सकते हो। इसमें भी कंडीशन है, एक तो होता है ओपन चैन सेट और एक होता है चैन कवर लगा हुआ, यानी पूरा कवर्ड जो रहता है उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा रहती है। ओपन चैन सेट में क्या होता है कि वो डस्ट होता है जो रोड पर उड़ता है वो चैन के अंदर लग जाता है, जिसकी वजह से चैन सेट जल्दी घिस जाता है डस्ट की वजह से, ठीक है। और अगर आपका बाइक का जो चैन कवर है, चैन सेट है, वो अगर कवर्ड है पूरा, तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू ओपन चैन सेट के। तीसरे नंबर पे स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग पे भी कोई ध्यान नहीं देता है अक्सर लोग, जब बिल्कुल ही स्पार्क प्लग ख़राब हो जाता है तभी चेंज करवाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। तो स्पार्क प्लग की लाइफ है वो रखी है 20 से 25,000 किलोमीटर तक। अगर इसे आप टाइम से चेंज करवा लेते हैं तो आपकी बाइक की माइलेज और पावर दोनों ही बढ़िया रहती है। चौथे नंबर पे ऑल केबल्स, जिसमें कि है क्लच वायर, एक्सीलेटर वायर और फ्रंट जो ब्रेक वायर है वो। क्लच वायर में क्या होता है, इसमें पतले पतले तार होते हैं जो कि धीरे धीरे करके टूटते हैं और फिर अचानक से पूरी तरह टूट जाता है, तो जिसकी वजह से हमें काफ़ी दिक्कत होती है इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े तो। हम क्लच वायर को चेंज करा लें आप 20,000 किलोमीटर पर, एक बार ज़रूर चेंज करवा लें। एक्सीलेटर वायर और जो फ्रंट वाली जो वायर है ब्रेक शू वाली, उसको आप चेंज करवा सकते हो 40,000 तक। और पांचवे नंबर पर है क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट डिपेंड करती है आप किस तरीके से बाइक को चलाते हो। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि बाइक जो है वो हाफ क्लच दबा करके ही चलाते हैं, जिसकी वजह से क्लच प्लेट जल्दी फूक जाती है। क्लच प्लेट की जो लिमिट लाइफ है वो है 20 से 25,000 किलोमीटर तक, इसके बाद आप एक बार ज़रूर चेंज करवा लें कि आपकी बाइक के इंजन पर लोड ना पड़े और जो पिकअप है वो भी बढ़िया रहे। सिक्स नंबर पॉइंट है शॉकर, यानी शॉकर जब लीकेज करता है, शॉकर लीकेज की प्रॉब्लम आपने देखी होगी, इस तरीके से कुछ आती है। तो शॉकर जब लीकेज होता है इसमें एक ऑयल सील होती है जो कट जाती है, जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें ऑयल सील चेंज हो जाती है, जिसे आप चेंज करवा लें ताकि आपकी जो लीकेज की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ऑयल सील है वो बहुत ही नॉर्मल प्राइस में डल जाती है। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। मेरी अपनी स्प्लेंडर है, इसमें सारी चीज़ें मैं अप्लाई करता हूँ। तो कोई भी आपकी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।